ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के मरीजों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा का किया उपलब्ध। बिहार में 1412 कोरोना के नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 26,000 पार। कोरोना को लेकर बिहार आए केंद्रीय टीम ने नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में किया निरीक्षण। गंगा नदी फरक्का में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची, बक्सर और भागलपुर में जलस्तर में वृद्धि की संभावना। असम में बाढ़ का कहर, बाढ़ से बेहाल हुए लोग, बाढ़ के कारण 2700 गांव पूरी तरह बर्बाद। कोरोना वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिली अच्छी खबर, वैक्सीन ट्रायल में उम्मीदों से अच्छे नतीजे आने का संकेत। अगस्त को होगा अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। जाप नेता पप्पू यादव ने बेतिया में बाढ़ग्रस्त इलाके का लिया जायजा, बेहाल परिवारों को की आर्थिक मदद। बिहार में अगले 72 घंटे लगातार छाए रहेंगे बादल, कई इलाकों में भारी बारिश, वज्रपात का आशंका। झारखंड में कोरोना संक्रमित मामले में तेजी, 153 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 5,000 पार। बिहार के पूर्णिया में AIMIM महिला अध्यक्ष कंचन देवी ने लोगों को किया मास्क वितरण, घर पर सुरक्षित रहने का किया लोगों से अपील। पश्चिम बंगाल में 12वीं का रिजल्ट जारी, 90.13% छात्र छात्राएं सफल, छात्रों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी बधाई। पश्चिमी बंगाल में कोरोना बेकाबू, संक्रमित मरीजों की संख्या 36,000 पार। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज पाने के लिए आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।